वेलकम बैक, नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों, आज हो गया 14 जनवरी और आज पूरे देश में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी भाई बहन और दोस्तों को बिहारी मीडिया की ओर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि अब जूनियर बच्चों का स्कूल खोलने के राज्य में की जा रही है तैयारी। बिहार में ट्रैफिक रूल तोड़ने पर जुर्माने के साथ मिलेगा 1.5 घंटे का गुरु मंत्र। 15 जनवरी से सूबे में चक्का जाम। फिर आपको बताएंगे बिहार के लोगों को दक्षिण भारत की यात्रा कराएगी स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का 15 को राजभवन मार्च। साथ ही आपको अपडेट देंगे कि मकर संक्रांति में लालू यादव की तरफ से क्या बड़ा बयान सामने आया। राज्य में ITI दाखिला के लिए छात्र 15 से करे च्वाइस फिलिंग। उसके बाद बड़ी खबर है बिहार के 66,000 सरकारी शिक्षकों के वेतन को लेकर। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर क्या तंज कसा है। फिर आपको बड़ी खबर बताएंगे बिहार में नल जल योजना के लिए अब हर परिवार को देने होंगे 30 रुपये प्रति। सीएम नीतीश कुमार 15 को राजगीर में पार्क का करेंगे उद्घाटन। बिहार में फिर से लौटी सर्दी। बिहार DLED मेरिट लिस्ट जारी। और फिर अंत में हम आपको बड़ी खबर बताएंगे कि चिकन अंडा खाने को लेकर दिल्ली सरकार ने क्या एडवाइजरी जारी किया। तो दोस्तों, फटाफट से अपनी तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। सबसे पहली खबर, अब जूनियर बच्चों का स्कूल खोलने की तैयारी राज्य में चल रही है। इसी महीने क्लास 6 से 8 तक के बच्चे जाएंगे स्कूल। जी हां, कोरोना के कहर के बीच पहली बार 4 जनवरी से राज्य में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोले गए हैं। राज्य सरकार ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला किया था और उस वक्त यह तय किया गया था कि 18 जनवरी के बाद जूनियर सेक्शन के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया जाएगा। अब राज्य सरकार ने 6ठी से 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल खोलने का मन बना लिया है। सरकार इसी महीने 6ठी से 8वीं तक के बच्चों का स्कूल खोलने देने का फैसला लेगी। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर अपनी तरफ से सहमति बना ली है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में सभी मध्य विद्यालय खोल दिए जाएंगे और इसके बाद प्राथमिक स्कूल को खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरी बड़ी खबर, बिहार में ट्रैफिक रूल तोड़े जाने पर जुर्माने के साथ मिलेगा 1.5 घंटे का गुरु मंत्र भी। जी हाँ, बिहार में अब ट्रैफिक नियमों से खिलवाड़ करना जुर्माना तक सीमित नहीं रहेगा। चालकों को जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, साथ ही ट्रैफिक नियमों का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। राजधानी पटना में ऐसी व्यवस्था पहले से की गई पर अब बिहार के सभी जिलों में ऐसा होगा। खासकर वैसे चालक जो नियम तोड़ते पकड़े जाते हैं और यातायात नियमों की जानकारी नहीं है, उन्हें DTO ऑफिस के अधिकारी कर्मचारी ट्रैफिक का रूल समझाएंगे। राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि बिहार में सड़क हादसों में प्रतिदिन करीब 20 लोगों की जान चली जाती है। वहीं देश के स्तर पर साल में करीब 1.5 लाख की मौत सड़क हादसों में होती है। अगली बड़ी खबर, बिहार के लोगों को दक्षिण भारत की यात्रा कराएगी स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन, ऑनलाइन बुकिंग शुरू। जी हां, तीर्थ यात्रियों के लिए रेलवे ने दूसरी बार भागलपुर क्षेत्र से टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की है। IRTC पूर्वी जोन 31 मार्च को भारत दर्शन टूरिस्ट ट्रेन चलाएगा जो योग नगरी मुंगेर से यात्रा शुरू करेगी। यह ट्रेन दुमका, जसीडीह, आसनसोल, कटक होकर दक्षिण भारत जाएगी और तिरुपति, मदुरे, रामेश्वर, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम आदि जगहों पर यात्रा कराएगी। ट्रेन फिर उसी रास्ते से सभी बोर्डिंग पॉइंट पर तीर्थ यात्रियों को छोड़ेगी। आपको बता दें कि 11 दिनों की ये यात्रा 31 मार्च को प्रारंभ होगी और 10 अप्रैल को समाप्त होने वाली है। साथ ही इसमें स्लीपर क्लास में यात्रा, धर्मशाला में रात्रि विश्राम, हर दिन शाकाहारी भोजन एवं नाश्ता, बस की सुविधा, यात्रा बीमा आदि शामिल है। बुकिंग ऑनलाइन होगी लेकिन भागलपुर स्टेशन के IRTC फूड प्लाज्मा में बुकिंग होगी। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो कि 9002040108 है। इसमें आप कॉल करके पूरी तरह से जानकारी ले सकते हैं।
बड़ी खबर, कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का 15 को राजभवन मार्च, पहले मुख्यालय पर होगा धरना। जी हां, प्रदेश कांग्रेस ने बिहार प्रभारी भक्त चरण दास द्वारा दिए गए टास्क पर अमल करना शुरू कर दिया है। उनके निर्देश के अनुसार पार्टी 15 जनवरी को किसान अधिकार दिवस मनाएगी और सदाकत आश्रम में धरना देने के बाद कार्यकर्ता राजभवन मार्च में हिस्सा लेगी। पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष एचके वर्मा ने बताया कि पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में धरना 12 बजे से शुरू होगा, उसके बाद राजभवन मार्च किया जाएगा। 3 कृषि कानूनों एवं पेट्रोल तथा डीजल के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ यह कार्यक्रम होने वाला है। राजद सुप्रीमो लालू यादव का फरमान, मकर संक्रांति पर गरीब गुरबों को दही चूड़ा खिलाए पार्टी कार्यकर्ता और नेता। जी हां, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने राजद के सभी नेता कार्यकर्ताओं को मकर संक्रांति के दिन भोज के आयोजन के निर्देश दिए हैं। पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पार्टी सुप्रीमो के निर्देश को ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी का निर्देश है कि सभी विधायक नेतागण कार्यकर्ता मकर संक्रांति के दिन गरीब गुरबों को दही चूड़ा का भोज कराए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इसे रिट्वीट किया है। आईटीआई दाखिला के लिए 15 से करे च्वाइस फिलिंग। जी हां, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2020 में सफल छात्र 15 जनवरी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने बुधवार को आईटीआई के 25,235 सीटों पर नामांकन के लिए सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन व च्वाइस फिलिंग की भी तिथि जारी कर दी है। आईटीआई टेट के विभिन्न सीटों पर छात्र का नामांकन रैंक के आधार पर होगा। छात्र बोर्ड के वेबसाइट पर कर मेरिट लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी खबर, बिहार के 66,000 सरकारी शिक्षकों के वेतन के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया 814 करोड़ रुपए। जी हां, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने 66,104 शिक्षकों के वेतन के भुगतान के लिए 814 करोड़ 39,51,100 रुपए की स्वीकृति दी है। इस राशि की विमुक्ति का भी आदेश दे दिया गया है। इस राशि से वित्तीय वर्ष 2020-21 में इन शिक्षकों को वेतन का भुगतान होगा। जिन 66,104 शिक्षकों के वेतन का भुगतान के लिए राशि दी गई है उनमें राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में कार्यरत नगर प्रारंभिक शिक्षक, प्रखंड शिक्षक एवं पंचायत शिक्षक शामिल है। फिर बोले तेजस्वी यादव, थक चुके हैं नीतीश कुमार, नहीं संभल रहा है बिहार, दिल्ली वाले बेटे को भी घेरा। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो स्टेशन हेड रुपेश कुमार की हत्या से बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी ने एक बार फिर दोहराया कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। कहा कि मैंने ये बात पहले भी कही है कि वह थक चुके हैं, ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। उन्होंने ही कहा था कि सीएम नहीं बनना चाहते हैं लेकिन भाजपा वालों ने बना दिया। इसके साथ ही तेजस्वी ने बिना नाम लिए कहा कि रैलियों में कहते थे कि दिल्ली वाला बेटा बिहार का ख्याल रखेगा, कहते थे कि बिहार में जंगल राज है और यहाँ के राजकुमार है, तो आज कौन सा राज्य है बिहार में, भाजपा के दो दो उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, बिहार में आज महाजंगल राज है, नीतीश कुमार जी बिहार नहीं संभल रहा है। बिहार में नल के जल के लिए हर परिवार को देने होंगे 30 रुपये प्रति माह, जानिए कितना मिलेगा पानी। जी हां, मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत अब हर परिवार को 30 रुपये प्रति माह देने होंगे। इसे लेकर विभागीय स्तर पर सहमति बन गई है, लेकिन इसे लागू करने से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह फाइल भेजी गई है ताकि इस पर अंतिम निर्णय हो सके। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 30 रुपये लेने के बाद रसीद भी दी जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगा। आपको बता दें कि पीने के लिए 3 लीटर, खाना बनाने के लिए 10 लीटर, नहाने के लिए 15 लीटर, इसके अलावा भी आपको पानी दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार 15 को राजगीर में पार्क का करेंगे उद्घाटन, जमुई में पश्चिम महोत्सव का उद्घाटन 16 को। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 जनवरी को नालंदा जिले के राजगीर में वेनवन के विस्तार और धोड़ा कटोरा में नए पार्क का उद्घाटन करेंगे। साथ ही सीएम 16 जनवरी को जमुई जिले के नागी नकटे पक्षी अश्रयणी में आयोजित राज्य के पहले कर्लव राज्य पक्षी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। वेनवन के विस्तार का काम पिछले करीब 1.5 साल से
चल रहा था। अपने राजगीर प्रवास के दौरान वेनवन के पैरानविक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इसके सौंदर्यकरण का निर्देश दिया था। 15 जनवरी से सूबे में चक्का जाम, ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन और सरकार के बीच वार्ता फेल। जी बिहार में 15 जनवरी से ट्रकों का चक्का जाम हो जाएगा। बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने 15 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन और सरकार के बीच हुई वार्ता विफल होने के बाद यह ऐलान किया गया है। ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन का आरोप है कि सरकार में उन्हें जो आश्वासन दिया था वह पूरा नहीं किया गया है। राज्य में फिर से लौटी सर्दी, पछुआ हवा के कारण तेजी से गिरा तापमान। जी हां, पश्चिम से आने वाली बर्फीली हवाओं के गति में तेजी आने से वर्तमान में प्रदेश का अधिकांश हिस्सा भीषण ठंड की चपेट में आ गया है। राज्य के शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में लोग सुबह में घर में दुबके हुए हैं। राजधानी के पार्क मैदान एवं सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। धूप भी ठंड से शर्माती नजर आई है। सुबह में धूप निकली लेकिन उसका कोई खास असर वातावरण पर नहीं देखा गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार डीएलएड मेरिट लिस्ट जारी। जी हां, जिला इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पटना ने बुधवार को डीएलएड की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 2020-22 जारी कर दी है। लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। जो उम्मीदवार बिहार डीएलएड परीक्षा में शामिल हुए थे वो मेरिट लिस्ट ऑनलाइन diet.patna.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि 20 जनवरी से पहले उम्मीदवार आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। सभी आपत्तियां का निस्तारण करने के बाद फाइनल मेरिट और वेटिंग लिस्ट 27 जनवरी को जारी की जाएगी। फर्जी डिग्रियों के आधार पर शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा पूरा ब्यौरा। जी हां, राज्य के स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियों के आधार पर शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 2 सप्ताह में पूरा ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है। रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि जवाब देने के लिए राज्य सरकार को आखिरी मोहलत दी गई है। राज्य सरकार को सभी का ब्यौरा उपलब्ध कराना है। और अंत की बड़ी खबर, बीजेपी सांसद बोले, सरकार और पुलिस दारू पकड़ने में लगी है, क्रिमिनल निडर होकर क्राइम कर रही है। बिहार में बेलगाम आपराधिक घटनाओं पर बीजेपी नेताओं के सब्र का बांध टूटने लगा है। अब फिर बीजेपी के एक सांसद ने सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी सांसद ने कहा कि सरकार और पुलिस दारू पकड़ने में लगी है और अपराधी आराम से क्राइम करके निकल जा रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा है कि अपराधी निडर हो गए हैं। मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने कल पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जितना मेहनत करना चाहिए था नहीं कर रही है। पुलिस को जो काम करना चाहिए था वह नहीं कर रही है। सारे पुलिस पदाधिकारी या तो दारू पकड़ रहे हैं या तो ओवरलोडेड ट्रक को तलाश रहे हैं। अपराधी निडर होकर क्राइम कर रहे हैं। पुलिस का खौफ अपराधियों पर दिखना चाहिए था, वह नहीं दिख रहा है। अब अपराधी क्राइम करते हैं और आराम से निकल जाते हैं। आज के आपका सवाल बताएं कि भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां पर स्थित है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।